हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र को लेकर आपको एक अपडेट देने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप हाई स्कूल में हों या फिर इंटरमीडिएट में, यानी कि अगर आप वर्ष 2021 में यूपी बोर्ड की परीक्षा आप देने वाले हैं, तो आप जो है इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों, जो कल आपका टाइम टेबल जारी किया गया 10 फरवरी को, वो जो है आपका ऑफिशियली जारी किया गया है। तो आपको जो है उसमें संकोच में नहीं रहना है कि वो टाइम टेबल गलत है। वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी किया गया है परीक्षा वर्ष 2021 का हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की समय सारणी। आप यहाँ पर भी जो है क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। 10 फरवरी को जो है यानी 10 फरवरी 2021 को ये जारी किया गया है। तो ये जो है आपका ऑफिशियली आया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। तो आपका जो है टाइम टेबल कन्फर्म हो चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एडमिट कार्ड के बारे में आपको क्या बताने वाला हूँ। तो एडमिट कार्ड के बारे में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपके जो भी स्कूल्स हैं या फिर कॉलेज हैं, वहाँ पे जो है आपका प्रोविजनल एडमिट कार्ड बोर्ड द्वारा भेज दिया गया है। प्रोविजनल एडमिट कार्ड क्या होता है, उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। प्रोविजनल एडमिट कार्ड ये होता है कि जैसे आपका जो एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र आता है परीक्षा देने के लिए, सेम जो डिटेल आपके प्रवेश पत्र में रहता है, जैसे कि आपका नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यानी कि पूरे एडमिट कार्ड में जो भी डिटेल रहती है मेन, वो सारी डिटेल उस जो है प्रोविजनल एडमिट कार्ड में रहता है। वो जो है कॉलेज में भेज दी गई हैं और वो एक लिस्ट भेजी जाती है, पूरे उसमें सभी छात्रों का रहता है। तो कुछ स्कूलों में जो है पहुँच चुकी हैं और कुछ स्कूलों में अभी तक जो है नहीं पहुँची हैं, तो 2-4 दिन के अंदर में हर हाल में पहुँच जाएंगे। तो आप जो है जाके वहाँ पे आप अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड ज़रूर चेक करिए, अपने स्कूल में जाइए। कुछ स्कूल के जो यानी कि टीचर्स जो हैं कॉल करके भी स्टूडेंट को बुला ले रहे हैं और चेक करवा दे रहे हैं। अगर आपको नहीं बुलाया गया है तो आप डायरेक्ट कॉलेज जाइए, आपके स्कूल के जो भी क्लर्क हों यानी कि जो भी कार्यालय देखते हों स्कूल का या फिर बड़े बाबू हों, उनसे आप संपर्क करिए। उसके बाद में वहाँ पर जो है अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड जो है चेक करिए। उसमें क्या क्या चेक करना है मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ। तो देखो, आपको अपने प्रोविजनल एडमिट कार्ड में चेक क्या क्या करना है। तो वहाँ पे आपको अपना नाम ज़रूर चेक करना है कि आपका नाम जो है बिल्कुल सही है। जैसे मान लो आपका नाम अजीत है, मान लो अजीत कुमार आ गया लिख के, या फिर कोई अलग से आपका टाइटल लिख के आ गया है, तो आपको जो है उसे सही करवाना होगा। ये अभी नहीं, बाद में आपके साथ ये दिक्कत करेगा। तो इसलिए आप जो है अपना नाम ज़रूर चेक करिएगा। जो नाम आपका है उसमें स्पेलिंग भी आप एक एक स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्पेलिंग अगर नाम में कुछ गड़बड़ रहता है, तो बाद में जब कोई भी रिक्वायरमेंट वगैरह आती है, नौकरियाँ वगैरह, आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, तब वहाँ पर आपका जो है दिक्कत हो जाता है और आपको जो है उसे बोर्ड में जाके आपको सुधरवाना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बोर्ड के चक्कर काटने पड़ेंगे, साथ ही आपको जो है पैसे भी देने पड़ेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरी चीज़ हो गई फादर नेम। आपको फादर नेम भी चेक करना है। फादर नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए, जैसे आपका जो भी पिता का नाम हो, अगर श्री लगा है तो श्री लगा होना चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल जैसे, कहने का मतलब आपके पिता का नाम है वैसे एकदम बिल्कुल होना चाहिए, कोई स्पेलिंग वगैरह में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर हम मदर नेम की बात कर लें, तो वैसे मदर नेम यानी कि माता का नाम भी आपको चेक करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत लोगों का गलत हो जाता है। तो आप जो है डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट डलवाइएगा, जो आपकी यानी कि सही डेट ऑफ बर्थ हो, जो आपके अगर आप जैसे हाई स्कूल में है तो आप अपने आधार कार्ड से मैच कर लीजिएगा। जो डिटेल आपके आधार कार्ड में है, जो डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है, सेम वही डेट ऑफ बर्थ को आपको डलवाना होगा। अन्यथा या तो बाद में आपको अपना आधार कार्ड सही करवाना पड़ेगा या फिर आपको बोर्ड के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इसलिए आप जो है अभी से जो है जाके वहाँ पर चेक कर लीजिए। और सभी स्कूलों में लगभग प्रोविजनल एडमिट कार्ड आ चुके हैं। अगर नहीं आए हैं तो आप वहाँ पर जाइए, संपर्क करिए, वो बताएंगे कि कितने दिन बाद आ जाएगी। इससे आप चेक कर लेंगे तो आपका जो है कोई भी डिटेल गड़बड़ नहीं होगा। अगर आप नहीं चेक करते हैं तो जो नाम आपका ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड में आया रहेगा, सेम वही डिटेल आपकी जो मार्कशीट बन के आएगी बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी, वही डिटेल आपको उसमें भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को बस यही जानकारी मैं देने वाला हूँ कि आप जो है वहाँ पर जाके अपना प्रोविजनल एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर लीजिए। अगर गलत है तो आप वहाँ से बताइए जो है अपने क्लास टीचर या फिर जो भी हों वहाँ के, आप यानी कि कार्यालय में जो भी देखभाल देखते हों कार्यालय का, उनसे बताइए कि इसे सही करवाएं, तो जो है आपका भी सही हो जाएगा। यानी कि जब तक आपका ओरिजिनल वाला जो है प्रवेश पत्र नहीं आता है, अभी आपका जो है सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड में भी जो इसे टाइप करते हैं, लिस्ट जो बनाते हैं, वो भी आदमी ही बनाते हैं।
पता चला जो है टाइपिंग करने में कहीं मिस हो गया, एक स्पेलिंग भी मिस हो गया, तो आपका नाम तो ख़राब हो गया। बाद में आपको परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, बोर्ड के चक्कर आपको काटने पड़ेंगे, पैसे आपको बर्बाद करने पड़ेंगे। तो इसलिए आप जो है अभी आप चेक कर लेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।